हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमन आयल। सो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रीडिंग मॉड्यूल के बारे में, मींस रीडिंग की वोकैबुलरी के बारे में। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है रीडिंग की वोकैबुलरी को लेके, क्योंकि उनको वोकैबुलरी के मीनिंग्स नहीं पता होते, जिसकी वजह से वो रीडिंग को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। सो वही वोकैब जो बार बार रिपीट होके मोस्ट ऑफ द टाइम हर पैसेज में आ जाती है, वही वोकैब मैं आज डिस्कस करूंगी, ताकि वो वोकैब आपके टिप्स भी हो, जब भी आपको रीडिंग करनी पड़े तब भी आप बहुत अच्छे से बैंड स्कोर कर सको और अपनी जो रीडिंग है उसको इम्प्रूव कर सको। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि वो कौन से वोकैब वर्ड हैं जो बेसिकली बहुत बार रीडिंग में आते हैं। आज इस वीडियो में मैं 40 वोकैब वर्ड बताऊंगी और कोशिश कीजिएगा सारे के सारे आप लोग नोट कर लीजिए और उसको लर्न कर लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए रीडिंग में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है वो है वल्नरेबल। आपने देखा होगा वल्नरेबल बहुत बार रीडिंग में आता है, जिसका मतलब होता है अनसेफ और इजी टू हर्ट, जिसको हर्ट इजीली किया जा सकता है, जहां वो सिक्योर नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं वल्नरेबल। सेकंड इज इंट्रेंच्ड। इंट्रेंच्ड का मतलब होता है एस्टेब्लिश्ड, जहां कोई चीज जो है वो पैदा हुई, जहां इनग्रेन्ड मतलब किसी के बीच में वो समाया होना, इनग्रेन होना। थर्ड इज वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है लाइव अबिलिटी टू चेंज रैपिडली और अनप्रेडिक्टेबली, जहां बोल सकते हो टेंडेंसी टू चेंज रैपिडली और अनप्रेडिक्टेबली, कोई चीज जो है वो बहुत तेजी से बिना मतलब प्रेडिक्ट किए ही चेंज हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी। देन है ऑटोनमस। ऑटोनमस मीन्स इंडिपेंडेंट और हैविंग पावर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब अपने डिसीजन खुद ले सकना, कोई ऐसी चीज होना जो इंडिपेंडेंट हो, ह्यूमन बीइंग की जरूरत ना हो, तो वहां पे ऑटोनमस आ सकता है थिंग के लिए या किसी पर्सन के लिए भी। देन है मिटिगेट और एलिवेट, इन दोनों का मतलब होता है रिड्यूस, कम होना। नेक्स्ट सिक्स वन इज सब्सक्रिप्शन। अब हम लोगों के माइंड में होता है सब्सक्राइब तो हो गया, सब्सक्रिप्शन भी उसके साथ का ही कुछ होगा, बट इसका मतलब होता है डोनेशन। सो सेवन वन इज इंटरमीडियरी। अब ध्यान रखिएगा ये इंटरमीडिएटरी नहीं है, ये है इंटरमीडियरी, जिसका मतलब होता है टू पर्सन रीच टू एन एग्रीमेंट, किसी एक एग्रीमेंट में जब कोई पर्सन पहुंचते हैं देन उस कुछ चीज को हम बोलते हैं इंटरमीडियरी। देन इज स्टे। स्टे का मतलब होता है टाई अप, सो उससे नेक्स्ट हम करेंगे। नाइन्थ इज जुगल। जुगल मीन्स ट्राई टू डील विद, किसी के साथ डील करना, देन देयर इज अ वर्ड जुगल। और आप रीडिंग में देखोगे एम्फसाइजिस। एम्फसाइजिस का मतलब होता है कि अटेंशन और इम्पोर्टेंस, किसी को अटेंशन या इम्पोर्टेंस देनी। देन वर्ड इज कैंटोन्स। कैंटोन्स होते हैं सब डिविजन ऑफ अ कंट्री, मीन्स जैसे हम लोग बोलते हैं स्टेट्स वगैरह किसी कंट्री की, वो होते हैं सब डिविजन, मीन्स कैंटोन्स। देन आप वर्ड एक देखोगे मिलेनिया, मिलेनियम ऐसे करके वर्ड होगा, ये सेम ही वर्ड है, इसका सेम मीनिंग होगा पीरियड ऑफ थाउजेंड ईयर, जैसे 10 ईयर का टाइम पीरियड को हम डेकेड बोलते हैं, 100 ईयर के टाइम पीरियड को हम सेंचुरी बोलते हैं, वैसे ही 1000 ईयर के टाइम पीरियड को हम मिलेनिया या मिलेनियम बोलते हैं। नेक्स्ट इज एनविसेज। एनविसेज का मतलब होता है इमेजिन, ये वर्ड भी काफी बार रीडिंग में आता है। देन इंट्रीग्यूइंग, वेरी इंटरेस्टिंग, जहां बोल सकते हो फैसिनेटिंग, कोई चीज बहुत फैसिनेटिंग इंटरेस्टिंग चीज होना, वहां पे इंट्रीग्यूइंग लिखा होगा। नेक्स्ट इंडिजनस। इंडिजनस का मतलब होता है लिविंग और ग्रोइंग इन द सेम प्लेस वेयर दे आर फ्रॉम ओरिजिनली, किसी जगह पे रहना जहां से वो ओरिजिनली मतलब स्टार्टिंग से रह रहे हो, या किसी जगह पे ग्रो होना जहां पे वो पहले से ही ग्रो हो रहा हो, जहां बोल सकते हो सिंपल वर्ड एक है नेटिव होना किसी जगह का, चाहे वो प्लांट्स के बारे में हो चाहे वो ह्यूमन बींग के बारे में हो, तो वहां पे वर्ड लिखा आएगा इंडिजनस। देन इज इन्फेंस। इन्फेंस हम लोग काफी वर्ड देखते हैं, जैसे हमारी राइटिंग में भी काफी यूज होता है चिल्ड्रन के लिए, तो उसका मीनिंग है चिल्ड्रन, ये रीडिंग में भी बहुत बार आता है, सो उससे नेक्स्ट हम करेंगे। 17 इज वाइटल। वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज रेपर्टॉयर। रेपर्टॉयर का मतलब होता है स्टॉक या स्टोर, किसी चीज की कोई कलेक्शन होना। नेक्स्ट वर्ड आपको देखने को मिलेगा इन्वेशन। इन्वेशन का मतलब होता है एक्शन ऑफ एंट्रिंग अनदर कंट्री इन ऑर्डर टू कंट्रोल ऑन इट, मतलब किसी जगह पे हमला करके उस पर कंट्रोल करना, वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इन्वेशन। देन इज स्कम्ड। स्कम्ड का मतलब होता है टू स्टॉप फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग,
किसी के विरुद्ध कुछ लड़ना छोड़ देना, या जिस चीज की इच्छा हो कि मैंने ये करना ही करना है, जिद छोड़ देना, वो होता है स्कम्ड। नेक्स्ट इज सोफिस्टिकेटेड। ये वर्ड बहुत बार सुनने को मिला है, सोफिस्टिकेटेड मीन्स एडवांस्ड। नेक्स्ट इज अबंडेंट। अबंडेंट मीन होता है लेफ्ट कंप्लीटली, किसी चीज को पूरी तरह से छोड़ देना, जहाँ कोई चीज अब ज्यादा जरूरत में ना रहे, नो लॉन्गर नीडेड, ज्यादा जरूरत में ना रहे, जहाँ ना चाहिए। देन ये वर्ड आपको आपके स्नैपचैट पे भी आजकल देखने को मिल रहा है, अबंडेंट। जैसे पहले डिक्लाइन आता था, अब यहाँ पे आता है अबंडेंट। नेक्स्ट इज 23rd, मीन्स अवेक्यूएट। अवेक्यूएट का मतलब होता है रिमूव करना। आई वॉन्ट टू अवेक्यूएट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, मीन्स रिमूव करना। नेक्स्ट प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मतलब होता है स्टेटस। नेक्स्ट इज ब्रिटेन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस वर्ड पे कंफ्यूज रहता है, ब्रिटेन यूके को ही बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है जो क्वेश्चन होता है उसमें यूके शायद हो, बट थ्रू आउट द पैसेज आपको कहीं पे यूके नहीं मिलेगा, देन वहां पे क्या होगा, ब्रिटेन होगा। सो ब्रिटेन एंड यूके इज द सेम थिंग। अगर ब्रिटेन भी लिखा है देन भी आपके ब्लैंक टूफल्स जो है वो यूके वाली ब्लैंक टूफल के साथ मैच हो सकते हैं, सो कीप इट इन योर माइंड। देन इज एनरिच। एनरिच का मतलब होता है इनहांस करना। आई वॉन्ट टू इनहांस माई नॉलेज, आई वॉन्ट टू एनरिच माई नॉलेज। सो परसुएड। परसुएड का मतलब होता है कन्विंस करना, किसी को मनाना, चाहे गुस्से के साथ चाहे प्यार के साथ, तो किसी को कन्विंस करना, मनाना, परसुएड। देन कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है नोटिसेबल, जो चीज नोटिस में हो, नोटिस की जा सके। देन एक्स्ट्रा वेगेंस। एक्स्ट्रा वेगेंस होता है स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट हम बोलते हैं उसको जो बिना सोचे समझे किसी चीज का खर्च करता है, चाहे वो मनी का खर्च हो, चाहे वो नेचुरल थिंग्स का खर्च हो, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह। तो वो कोई चीज भी हो सकती है, मनी भी हो सकती है, जो बिना सोचे समझे खर्च की जाए, दैट इज एक्स्ट्रा वेगेंस। नेक्स्ट इज डेंट्रीमेंटल और डिवास्टेटिंग। डेंट्रीमेंटल एंड डिवास्टेटिंग दोनों वर्ड रीडिंग में देखने को मिलते हैं, जिसका मतलब होता है हार्मफुल, मतलब बुरा। हो सकता है डेंट्रीमेंटल इफेक्ट बोला हो, डिवास्टेटिंग इफेक्ट बोला हो, तो वहां पे आएगा आंसर हार्मफुल। नेक्स्ट इज वॉग। ये भी आपकी राइटिंग में काफी बार यूज होता है, इवन ये आपके रीडिंग में भी आता है। वॉग मीन्स होता है ट्रेंड। सो उससे नेक्स्ट हम करते हैं 32 इज ऑप्टिमम, मीन्स बेस्ट। नेक्स्ट स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज्ड वर्ड आपको रीडिंग में काफी देखने को मिलेगा, जिसका मतलब होता है एग्जामिन। 34 सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट होता है अल्टरनेटिव, मीन्स किसी जगह पे उसी की जगह पे यूज होना, या किसी की प्लेस पे काम करना, तो वो एक पर्सन का क्या है, अल्टरनेटिव है, सब्स्टिट्यूट है। नेक्स्ट इनएविटेबल, इसका मतलब होता है अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल मतलब जिसको अवॉइड ना किया जा सके। देन डिसमेंटल। डिसमेंटल मीन्स डिस्ट्रॉय, कोई चीज पूरी तरह से खत्म हो जाना, जहां वो पीसेस में कट हो जाना, उसको बोलते हैं डिसमेंटल। प्रोपोनेंट्स। प्रोपोनेंट्स मीन्स सपोर्टर। ये एक पर्सन के बारे में भी हो सकता है, एक चीज के बारे में भी हो सकता है। अगर पर्सन सपोर्टर है तो वहां पे भी प्रोपोनेंट लिखा जा सकता है, और अगर कोई चीज किसी चीज को सपोर्ट कर रही है वहां पे भी प्रोपोनेंट लिखा जा सकता है। नेक्स्ट इज रूडिमेंट्री। बेसिक्स। सो रूडिमेंट्री आप बोल सकते हो, देयर आर मल्टीफेरियस बेसिक पॉइंट्स, तो आप बोल सकते हो देयर आर मल्टीफेरियस रूडिमेंट्री पॉइंट्स। Enthusiasts. Enthusiasts का मतलब होता है a person who is very interested in a particular activity or field or subject. कोई person एक particular activity में अगर interest रखता है then हम बोलते हैं enthusiasts. Enthusiast और enthusiastic उस person को ही बोला जाता है जो किसी चीज में interested हो। जैसे बोलते हैं, मैं स्पीकिंग में भी आपको बताती हूँ, मतलब आई एम अ स्पोर्ट enthusiastic person, मीन्स मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखने वाला बंदा हूँ, तो वहां पे भी मैं इंटरेस्टेड ही बताते हैं एंथुसियास्टिक का। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज फिलामेंट। फिलामेंट का मतलब होता है फाइबर। ये कपड़े के बारे में बात हो रही है, जहां किसी लेयर के बारे में हो रही है, क्या फाइबर है, क्या फिलामेंट है। सो ये थे 40 वर्ड्स, यो रीडिंग में काफी बार यूज होते हैं। मैं कोशिश करूंगी और भी ऐसी वीडियोस लेके आऊंगी, ताकि आपको जितनी रीडिंग की वो कैप मिल सके जो बार बार रिपीट होती है, और आपकी हेल्प हो सके रीडिंग में। सो इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही जो इम्पोर्टेंट वीडियोस है मैं आपके लेके आती रहूंगी। सो प्लीज कीप सपोर्टिंग।
बिकॉज आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मैं अभी क्यू कार्ड पे डालूंगी, उसके बाद मैं रीडिंग की और भी वकैब जो है वो लिख के वो भी आपको जल्दी ही अपलोड कर दूंगी, वो आपके लिए जल्दी, ताकि आपको रीडिंग में जो है वो इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिल सके। सो कीप स्पॉटिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।